मुस्तजाब दुआ। खुदाया मुझे अपने घर वालों के पास वापस न ले जा। ये वो जुमला था जिसे अमर बिन अलजुम्ह की बीवी ने उस वक्त अपने शोहर की जबान से सुना था जब वो मुसल्ला होकर गजवे उहद में शिरकत के लिए जा रहे थे। अमर लंगड़ाते थे और किसी के वहमो गुमान में भी न था कि वो हथियार उठाकर जिहाद करेंगे। अमर के रिश्तेदारों ने उनका रास्ता रोका और कहा, पहली बात तो यह है कि शरण तुम पर जिहाद वाजिब नहीं है, इसलिए कि तुम माजूर हो, और दूसरी ये कि तुम्हारे चार बहादुर बेटे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा रकाब होकर जंग के लिए रवाना हो चुके हैं, तो तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन अम्र नहीं माने और कहने लगे, मैं भी अपने बेटों की तरह अबदी सादत हासिल करने का शौक रखता हूं। अम्र के रिश्तेदार उन्हें जंग में शिरकत ना करने पर इसरार करते रहे, लेकिन उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की तो आपने अम्र के रिश्तेदारों से फरमाया, इसको मत रोको और जाने दो। हो सकता है कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। गज़वे उहद में अमर का जिहाद देखने के काबिल था। वो लंगड़ाते हुए दुश्मन की फौज के कल्ब पर हमला करते और नारा लगाते कि मुझे जन्नत की आरजू है। जंग के दौरान अमर का बेटा भी बाप के पीछे पीछे चलता रहा। जंग खत्म हुई तो हुजूर की ज़ौजा मुकर्रमा ने हिंद को देखा जो तीन जनाजों को एक ऊंट पर लादकर ले जा रही है। ज़ौजा रसूल ने हिंद से पूछा, ये जनाजे किसके हैं? हिंद बोली, ये मेरे भाई बेटे और शौहर के जनाजे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, इनको कहां ले जा रही हो? हिंद ने कहा, मैं इनको दफन करने के लिए मदीने मुनव्वरा ले जा रही हूं। और ये कहकर उन्होंने ऊंट की महार खींचकर मदीने का रुख किया, लेकिन ऊंट मुश्किल से चलने लगा। हिंद की कोशिशें बराबर साबित नहीं हो सकी और ऊंट घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, शायद ऊंट इन तीनों जनाजों का बोझ नहीं उठा सकता। हिंद बोली, ऐसी बात नहीं है, ये ऊंट बहुत ताकतवर है, इसकी वजह कुछ और हो सकती है।
ये कहकर एक बार फिर हिंद ऊंट की महार खींचने लगी, लेकिन बेसुध था और जानवर हरकत ही नहीं कर रहा था। हिंद ने ऊंट को एक बार फिर ओहद की समत मोड़ा तो वो तेज तेज चलने लगा। हिंद अपने तई बोली, शायद इसमें कोई राज है। इस तरह मजबूरन वो जनाजों को लेकर ओहद वापस चली गई। ओहद पहुंचकर हिंद ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से आगाह किया। आ हजरत ने पूछा कि क्या अमर ने रवानगी के वक्त कुछ कहा था? हिंद ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने उनकी जबान से यह जुमला सुना था, खुदाया मुझे अपने घर वालों के पास वापस न ले जा। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शहीद की यह मुखलिसाना दुआ मुस्तजाब हुई है और खुदा नहीं चाहता कि इसका जनाजा यहां से घर वापस जाए। और बिलाखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में इन तीनों शहीदों के जनाजे ओहद में ही सुपुर्द-ए-खाक कर दिए गए।